नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्विफ्ट डिज़ायर के जो AC की वाटर ड्रेन पाइप होती है तो आप उसे कैसे रिमूव और क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार ये जो ड्रेन पाइप होती है तो इसमें कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये जो पाइप होती है तो ये बंद हो जाती है और ऐसे में जो AC का पानी होता है तो वो जो कार का पैसेंजर कैबिन होता है तो उसी में लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में ये जो वाटर ड्रेन पाइप होती है तो इसको क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। तो वाटर ड्रेन पाइप को रिमूव करने के लिए सबसे पहले ये जो कारपेट है तो इसे हम पीछे की तरफ उठा लेंगे। तो ये जो थर्मोकॉल है तो इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं तो यही वाटर ड्रेन पाइप होती है और इसी से जो पानी होता है तो वो बाहर की तरफ ड्रेन होता है। तो ये जो ड्रेन पाइप होती है तो इसमें ऊपर की तरफ से पानी आता है और नीचे की तरफ से जो पानी होता है तो वो कार के बाहर ड्रेन हो जाता है। तो ये जो वाटर ड्रेन पाइप है तो आपने इसको खींच के निकाल लेना है। तो ऐसे आपने इसको खींच के निकाल लेना है। और इसी तरह से आपने इसे ऊपर से भी रिमूव कर लेना है। तो ऐसे आप AC की वाटर ड्रेन पाइप को रिमूव कर सकते हैं। तो मेरी कार की ये जो ड्रेन पाइप है तो इसकी कंडीशन अभी ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसे चेक भी करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी अच्छी तरह से फ्लो हो रहा है। तो ऐसे आप ड्रेन पाइप को चेक कर सकते हैं टैप के साथ लगाकर, और इस ड्रेन पाइप में कोई लीकेज भी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी की वाटर ड्रेन पाइप ब्लॉक है तो आप इसे वायर के साथ भी साफ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपने वायर को ड्रेन पाइप के अंदर डालना है, और जब आप वायर को निकालेंगे तो जो ड्रेन पाइप के अंदर कचरा होगा तो वो वायर के साथ ही बाहर आ जाएगा। और इसी तरह से जो इसकी दूसरी साइड है तो उसको भी साफ़ कर लेना है। ड्रेन पाइप को वायर के साथ क्लीन करने के बाद आप इसे एक बार पानी के तेज़ प्रेशर से भी साफ़ कर लें। तो ये जो आप नोज़ल देख रहे हैं तो इसको भी आपने वायर के साथ साफ़ कर लेना है।
ड्रेन पाइप को क्लीन करने के बाद अब इसे दोबारा से लगा देंगे। तो ये जो ड्रेन पाइप है तो इसे अच्छी तरह से कनेक्ट करें ताकि जो पानी है तो वो गाड़ी की बाहर की तरफ ही ड्रेन हो। ये आप बाहर की तरफ से वाटर ड्रेन पाइप देख रहे हैं और यहीं से जो एसी का पानी होता है तो वो बाहर की तरफ गिरता है। तो ड्रेन पाइप को साफ करने के बाद आपने ये जो थर्मोकॉल और जो कारपेट है गाड़ी का तो इसको दोबारा से ठीक करके लगा देना है। तो आपने देख ही लिया है कि ये जो वाटर ड्रेन पाइप है तो इसे क्लीन करने का जो प्रोसेस है तो वो काफ़ी इजी है। तो आप टाइम टाइम पर ये जो वाटर ड्रेन पाइप है तो इसे चेक करते रहें, क्योंकि अगर ये पाइप ब्लॉक हो जाए या फिर अगर इसमें लीकेज आ जाए तो जो सारा पानी होगा एसी का तो वो जो कार का पैसेंजर कैबिन है तो उसी में ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो जो गाड़ी का फ्लोर होता है तो उसमें रस्ट भी लग सकता है। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।